फाइनली पारस छावड़ा ने अपनी हेयर विक के बारे में कमेंट कर लिया, क्या तुम लोगों को नहीं पता? अरे मैं बताता हूँ, लेट्स गो। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं भाई लोगों का चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पारस छाबड़ा के ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आप आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पारस छाबड़ा हेयर विग यूज करते हैं। अब फाइनली उन्होंने बिग बॉस में अपनी जो हेयर विग है उसके बारे में बात करी। सबसे पहले उन्होंने बात करी अपनी रीडिंग के बारे में कि वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि बिग बॉस में आने के बाद जो उनको टास्क दिए जाते हैं वो लिखे हुए होते हैं उसके बारे में, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी जो रीडिंग की कैपेबिलिटी है वो अच्छे तरीके से अब रिजॉल्व हो चुकी है। अब बात करते हैं उनकी हेयर विक के बारे में। हेयर विक के बारे में कि जैसे मैं आप लोगों को पहले ही पता था कि इंसिडेंट हुआ था कि बिग बॉस में ही कि उनकी हेयर विक जो है वो मिसप्लेस हो गई थी, अपनी जगह से थोड़ी हिल गई थी, जिसको पकड़ के वो अंदर की तरफ दौड़े थे फटाफट, और वो चीज काफी सारे लोगों ने नोटिस करी थी और मैंने भी प्रॉपर उसके लिए एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब बात करता हूं कि अब क्या हुआ है कि ये दोबारा बात कर रहा हूं, मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने कमिट कर लिया है कि वो हेयर विग लगाते हैं, और उन्होंने ये बोला कि वो हेयर विग लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता रहा हूं अपनी सारी की सारी वीडियोस में कि आप अच्छे दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी शर्म नहीं है। लड़कियां 10 तरीके की चीजें कर सकती हैं, तो अच्छा दिखने के लिए, अपने खोया हुआ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको जो भी बन पड़ता है आपसे उसको कीजिए, आपके लिए जो सुटेबल हो आपको करना चाहिए। यही बात पारस छाबड़ा ने भी बिग बॉस में कही, उन्होंने बताया कि वो हेयर विग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि काफी टाइम से वो मॉडलिंग करते रहे हैं और काफी टाइम से अच्छा दिखने के चक्कर में वो बहुत सारी मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह और अच्छे दिखने के लिए मतलब जो दवाइयां हैं वो लेते रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में काफी ज्यादा हीट हो गई, और जिसकी जो एक मेन कारण है हेयर लॉस का भी, तो उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि वो पूरे तरीके से गंजे हैं, हाँ उनके बाल जो है काफी थिन है और बीच बीच में से स्पॉट हो जाते हैं कि हाँ वो थोड़े बहुत गंजे हैं। जब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हाँ मेरे को अब हेयर विग की तरफ जाना चाहिए, वो इसलिए भी क्योंकि उनकी जो लाइन है वो ही उनका जो फेस है उसकी फेस वैल्यू की वजह से उन्होंने अपना हेयर विग जो है उसको चुना। और मैं उनके जो आंसर उन्होंने दिया जिस कॉन्फिडेंस से और अपनी जो बात खुल के सारी जमाने के सामने सारी ऑडियंस के सामने रखी वो बहुत अच्छा मेरे को लगा, क्योंकि इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं। अगर आप विग यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में बात कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा टैबू नहीं है कि भाई आपको कोई पहचान लेगा या फिर कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार इट्स ये हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर कि पारस छाबड़ा ने फाइनली कमिट कर लिया और उन्होंने बोला कि हाँ भाई वो हेयर विग यूज़ करते हैं। सो गुड लक, आई होप कि वो बिग बॉस जीते। मैं वैसे इतना ज़्यादा बिग बॉस नहीं देखता लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा है, तो कमेंट डाउन बिलो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर लगता है बिग बॉस में, और आपको क्या लगता है कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं बिग बॉस जीतने के। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें बिना ना जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।